दोस्तों, आपने नीट के एग्जाम के बारे में तो सुना होगा। 17 जुलाई को हमारे पूरे भारत देश में नीट की एग्जाम हो रही थी। वही केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम सेंटर में चेकिंग के नाम पर लड़कियों से ब्रा उतरवाई गई। दरअसल एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले स्टूडेंट की चेकिंग की जा रही थी, तभी मेटल डिटेक्टर ने लड़कियों के ब्रा में लगे हुए हुक को डिटेक्ट कर लिया, जिससे लड़कियों को एग्जाम देने से पहले ब्रा उतारने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि अगर उन्हें एग्जाम देना है तो उन्हें अपना ब्रा उतारना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। एग्जाम देने के लिए उन्हें मजबूर होकर ब्रा को उतारना पड़ा। सभी लड़कियों से एक रूम में ब्रा उतरवाई गई। लड़कियों को इसी तरह अनकंफर्टेबल होकर एग्जाम देना पड़ा, जिससे उनका कंसंट्रेशन एग्जाम में कम हो गया और वो अच्छे से पेपर भी नहीं लिख पाई। एग्जाम देने के बाद लड़कियां मेंटली बहुत परेशान थी और रो रही थी। उनमें से एक लड़की के पिता ने इस बेहुदा हरकत के लिए FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने 5 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे?